इंडिगेशन ऑफ वन अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस रेस्ट पावर फाइव एक्स देखो यहाँ साइन की पावर थ्री है और कॉस की पावर फाइव है जब तक ये दोनों में से कोई भी इवन पावर नहीं होगी तब तक ये रूट के बाहर नहीं आएगी तो हम इसमें से क्या करते हैं इसको पूरी तरह से टेन कन्वर्ट करने के लिए कॉस थ्री से डिवाइड करते हैं कॉस क्यूब से और कॉस क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा करने से क्या होगा ये पूरी तरह से टेन क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ कॉस की पावर एट हो जाएगी जिसमें से फोर पावर हम बाहर ले सकते हैं तो अगर इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं वन अपॉन स्क्वायर रूट साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई कॉस क्यूब एक्स इन टू यहाँ कॉस रेस्ट पावर फाइव एक्स था और कॉस रेस्ट पावर थ्री एक्स कर दिया हमने इससे क्या होगा ये पूरा मिलकर कलेक्टिवली कॉस रेस्ट पावर एट एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन क्यूब तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये कॉस एट है तो हम कॉस फोर को बाहर निकाल सकते हैं इसमें रूट के बाहर यह आ जाएगा कॉस फोर एक्स स्क्वायर रूट टेन क्यूब एक्स डी एक्स कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा ये तो ऊपर आ गया सेक फोर एक्स डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट टेन क्यूब एक्स देखो टेन का डेरिवेटिव सेग स्क्वायर होता है बट यहाँ हमारे पास सेक फोर है तो इसको फर्दर स्प्लिट कर लेते हैं एक करते हैं हम सेग स्क्वायर एक्स और दूसरे को लेते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेक फोर कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको तो इज़ रखा हमने इसको ब्रेक कर लिया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स में तो ये डेरिवेटिव के साथ रिमूव हो जाएगा और ये इज बचा रहेगा और अपॉन स्क्वायर रूट टेन क्यूब एक्स डी एक्स अगर अब हम टेन को सपोज करते हैं लेट टेन एक्स इक्वल टू टी देन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी देखो सेग स्क्वायर एक्स डी एक्स सेग स्क्वायर एक्स डी एक्स ये रिमूव हो जाएगा और हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी वन प्लस टेनिस टी देर फोर टी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट टी क्यूब डी टी देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर है न्यूमिनेटर में दो हैं तो इनको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं वन बाई वन दोनों को सेपरेट कर देते हैं ऊपर आ जाएगा वन अपॉन टी रेस्ट पावर थ्री बाई टू स्क्वायर रूट टी क्यूब मीन्स थ्री बाई टू प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी रेस्ट पावर थ्री बाई टू डी टी इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं ये ऊपर जाएगा टी रेस्ट पावर माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा प्लस यहाँ टी रेस्ट पावर टू माइनस थ्री बाई टू टू माइनस थ्री बाई टू डी टी पहले का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा टी रेस्ट पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन अपऑन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन प्लस इसका तो देखो यहाँ फ्रैक्शन में कितना आएगा टू टू जो फोर माइनस वन वन बाई टू आ जाएगा यहाँ पे इट मीन्स टी रेस्ट पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन प्लस सी अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा देखो यहाँ पे क्या आएगा थ्री बाई टू प्लस वन तो यहाँ पर कितना बचेगा टू वन जो टू माइनस वन तो यहाँ आएगा माइनस का वन बाई टू नीचे डिनोमिनेटर में जो कि यहाँ माइनस टू बन जाएगा माइनस टू इन टू टी रेस्ट पावर माइनस वन बाई टू और प्लस यहाँ नीचे थ्री बाई टू आएगा इट मीन्स रेसिप्रोकल होकर टू बाई थ्री बन जाएगा टी रेस्ट पावर थ्री बाई टू प्लस सी अब टी की वैल्यूपुट करते हैं माइनस टू ये देखो माइनस वन बाई टू है मतलब स्क्वायर रूट में है और निगेटिव भी है तो स्क्वायर रूट टेन एक्स क्योंकि टेन एक्स को हमने t लिया था प्लस टू बाई थ्री टेन रिस्ट पावर टेन एक्स रिज पावर थ्री बाई टू प्लस सी तो ये फाइनली आंसर आ गया हमारा